झारखंड के दुमका में अंकित और शाहरुख का मामला भी हाल के दिनों में देखने को मिला है और इस मामले में एक तरफा प्यार में पड़े शाहरुख ने अंकिता को जलाकर मार डाला। और कुछ ऐसा ही मामला पटना पुलिस की लापरवाही के कारण बिहार की राजधानी पटना में भी घटने को हो रहा है और पीड़ित युवती अपनी दोनों बहनों की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा की गुहार स्थानीय में लगाते लगाते थक गई है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ठेलवा पर पोस्ट ऑफिस के सामने रहने वाली सोनाली और उसकी दोनों बहनों का है। सोनाली बताती है कि पिछले 20 दिनों में उसके घर के बगल में रहने वाला एक युवक जबरदस्ती कोचिंग जाते समय उसके साथ और उसकी अन्य दोनों बहनों के साथ छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम देता है और इसका विरोध करने पर राहुल नाम का युवक सोनाली के घर में देर रात तक हथियार और तलवार लेकर घुसकर धमकी भी देता है और इसकी शिकायत सोनाली और उसके परिजन जब रामकृष्णा नगर थाने में करने जाते हैं तो सोनाली का आरोप है कि रामकृष्णा नगर थानेदार उसे ही जेल में बंद करने की बातें कर अपना पल्ला झाड़ लेता है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ठेलवा पर पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने रहने वाली सोनाली और उसकी अन्य दो बहनों का है। सोनाली बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी और उसकी अन्य दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद हो गई है क्योंकि इलाके के ही राहुल कुमार नाम के एक मनचले युवक के द्वारा लगातार सोनाली और उसकी दोनों बहनों के साथ स्कूल और कोचिंग जाने के दौरान राहुल नाम का एक युवक जबरन इन तीनों से बात करने की कोशिश करता है और जब इसका विरोध करती है तो मौके पर मौजूद राहुल और उसके अन्य साथी इन तीनों बहनों के साथ छेड़खानी करने से बाज नहीं आते। सोनाली कहती है कि हालात ये हैं कि राहुल के कारण उसके और उसकी दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए सोनाली कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की मुहिम चला रहे हैं, दूसरी ओर राजधानी पटना में ही पढ़ने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं है। सोनाली बताती है कि राहुल लगातार कोचिंग जाने और स्कूल जाने के दौरान उसके साथ और उसकी अन्य दोनों बहनों के साथ जबरन बातचीत और छेड़खानी करता है और जब परिजन इसका विरोध करते हैं तो राहुल अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित सोनाली के घर पर चढ़कर उसके पिता को जान से मारने की धमकी देने से परहेज नहीं करता। इस दौरान राहुल अपने अन्य साथियों के साथ तलवार और हथियार लेकर सोनाली के घर पर चलकर धमकी देने से बाज नहीं आता और जब वे इसकी शिकायत करने रामकृष्णनगर थाने जाती हैं तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी सोनाली के ही तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी सोनाली को ही जेल में डाल देने की धमकी कहकर उसे थाने से भगा देते हैं। इस मामले को लेकर उसने पटना के वरीय पुलिस पदाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की है और कोर्ट में इस मामले को लेकर कोर्ट में FIR भी दर्ज करवाया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। जैसे कि पूरा मामला है कि हम कोचिंग जाते हैं तो मेरा दुपट्टा खींचता है और एक दो लड़का और रहता है साथ में, वो दोनों को हम नहीं जानते, सिर्फ राहुल को जानते हैं। दुपट्टा खींचता है, उसके बाद घर में से छड़पता है, घर में गेट लगा देते नीचे वाला तो गेट तोड़ता है, गेट तोड़ने के बाद फिर छत्ता पे से छड़पता है, उसके बाद मेरे साथ छिड़कानी करता है। छिड़कानी करने के मतलब क्या है, यही चाहना कि मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, वो गलत करेगा। मम्मी पापा महती सोती करते हैं, मम्मी पापा चिल्लाते हैं तो मम्मी पापा पकड़ते हैं तो कैसे छोड़ा के भाग जाता है। और फिर उसकी चाची है, उसके चाचा है, मम्मी है, पापा है, सब गोली पिस्तौल लेके घर में घुसता है। कौन है वो लोग हम नहीं जानते, सिर्फ मेरे घर के बगल में मेरा छत है, उसका सर छटा हुआ है, हम उसको जानते नहीं है। कितने बहनों के साथ हम तीन बहन के साथ कर रहा है, मेरा पूरा फैमिली परेशान हो चुका है। अच्छा, आप वीडियो दिखा रहे थे तलवार लेके घुस रहा है। हाँ, घुस रहा है। क्या मामला है? घुस रहा है थी मारने के लिए, नहीं बात करेगी हमसे तो तुमको मार देंगे, तलवार लेके घुस रहा है। अच्छा, वो जबरदस्ती बोलता है बात करने के लिए। हाँ, जबरदस्ती बोलता है बात करने के लिए।